अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी इमली की चटनी। उसके लिए मैं यहाँ पे इमली यूज़ कर रही हूँ। इस इमली को मैंने आधे घंटे के लिए पहले पानी में भिगो के रख दिया था। ये तकरीबन एक प्याली इमली है। उसके अलावा इसमें जो यूज़ होगा, हाफ टेबल स्पून शुगर, चीनी, एक चुटकी नमक, एक चुटकी गर्म मसाला। बनाने के लिए मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके अंदर मैं इमली और उसका पानी ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम लो रखी हुई है और ये मसाले, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं मैंने इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, इसका पानी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। 25 मिनट के बाद ये देखें, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गया है। मैं इसके नीचे फ्लेम थोड़ी हाई कर दूंगी ताकि हम इसे थोड़ी सी जल्दी बना सकें। मैंने फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रख दी थी पहले, मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा हुआ था। ये देखें, ये बनके तैयार है। तकरीबन आधे घंटे में इमली की चटनी तैयार हुई है। अब मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल लूँगी।